अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा था, ग्रोसरी आई थी, वो सारा कुछ मैंने सेट कर दिया था। और फिर मैंने सोचा कि नेक्स्ट व्लॉग भी जो है ना, अभी से मैं स्टार्ट करती हूँ। तो अभी मैं तैयारी कर रही हूँ डिनर की। डिनर में आज मैं बनाऊँगी चावल, और चावलों के साथ बनेंगे आज मिक्स वेजिटेबल, जिसमें है गाजर, आलू और फूल गोभी, और साथ ही मैं बनाऊँगी फिश। तो ये हमारा आज का डिनर मेन्यू। तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ जो है ना डिनर बनाना। तो अभी शाम का टाइम हो गया, बारिश के साथ साथ बहुत तेज़ हवा भी चलने लगी है, तो और डिनर के लिए अभी टाइम कम रह गया है। तो मैं जब इमरजेंसी में चीज़ें बनाती हूँ ना, तो इस तरह बनाती हूँ। सारी सब्जियाँ काट के मैंने कुकर में डाल दी, और ऊपर से मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया, और प्याज टमाटर मसाले जितने भी हैं वो सारे मैं उसके ऊपर डाल के एक साथ बंद करूंगी, और बस दो तीन सीटी में मैं इसको खोल दूंगी। तो हमारी जो मिक्स सब्जी है वो बहुत ही बेहतरीन जो है बनके तैयार हो जाएगी। हाँ हजारा, बर्फबारी स्टार्ट हो गई, बर्फबारी और मौसम की ताज़ा तरीन अपडेट, चित्राल में बर्फबारी स्टार्ट हो गई। ये देखिए मौसम, बर्फबारी स्टार्ट हो गई है। जारा ग्लव्स किधर है? मोजे निकालो, जूते निकालो, सारे एंजॉय। ये देखिए सर्दी इतनी शिद्दत की है ना, मैं बता नहीं सकती। अगर इसी रफ्तार से होती रही तो सुबह तक अच्छी खासी बर्फ पड़ेगी। आज सर्दी की सूरत हाल कुछ यूं है कि पहली दफ़ा चित्राल में बर्फ़ जमी है। देखें, कल शाम को बर्फ़बारी स्टार्ट हो गई थी, थोड़ी सी बर्फ़बारी हुई है, बस इन्नी सी बर्फ़बारी हुई है, बस माइनस टेम्परेचर है। ये देखें, सर्दियों की पहली बर्फ़ जमी है, अब तक बर्फ़ नहीं जमी थी, तो बस इन्नी सी बर्फ़ पड़ी है, इन्नी सी बर्फ़। इससे क्या होता है, अल्लाह को थोड़ा सा ज़्यादा बरसाना था। देख लें, बहुत हल्की फुल्की हुई है बर्फ़बारी, बस इतनी सी। हम इतनी सी बर्फ़ में रहते थे अल्लाह मियाँ, हमें तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ की आदत है, तो वो बर्फ़ नहीं पड़ी जो हमें चाहिए था। आज तो मौसम बिल्कुल क्लियर है, लेकिन सर्दी इतनी है, माइनस टेम्परेचर है। मैं फ्रीज होते हुए देखें पहाड़ों पे, तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है बर्फ। लोग ऐसे स्टेटस लगा रहे थे, मुझे लगा कि सुबह तक तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन नहीं, कोई नहीं। पिछले साल इस छत पे इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी थी कि हमने मज़दूर मंगवा के यहाँ से बर्फ़ हटवाया था, इस साल कोई नहीं पड़ी। ये तो हाथ में भी नहीं आ रहा, बच्चे इतने शौक़ से सोए थे कि सुबह बर्फ़ के साथ खेलेंगे क्योंकि। तो सब्र शुक्र के साथ जाते हैं वापस घर की तरफ। मेरे हाथ इतने, ये देखें मेरे हाथ तो बिल्कुल बर्फ़ बन गए, जाते हैं नीचे घर की तरफ। फ्रेंड्स, यहाँ पे फिश बन रहे हैं डिनर में, और इनको देख के ना मुझे खानपुर की मछलियों की याद आ गई। यकीनन मैं उस जैसा तो नहीं बना पाऊँगी, फिर भी कोशिश है कि उस जैसे बन जाए। तो जी फ्रेंड्स, डिनर हो गया है हमारा रेडी, और डिनर में हमारे पास क्या क्या है यान यान बताएंगे। इधर हमारे पास है मछली, हाँ। फ्रेश। यहाँ पे है सब्जी, आलू गोभी जो भी है। यहाँ पे हमारे पास है चावल और मैक्रोनी की। चलो लेके जाओ, शाबाश, भाग भाग के। दरवाजा खोलो, पहले दरवाजा खोलो। अयान की ड्यूटी ये है, वो मुझे खाना सर्व करने में, लगाने में, और फिर बर्तन समेटने में हेल्प करते हैं यार। और बड़ा हो गया है ना। तो फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं खाना खाने। थोड़ा पीछे जाके दिखाओ ना, जहरा अपना नया फ्रॉक दिखा रही है, दिखाओ पिंपल, दिखाओ अपना। जहरा इज वन लिटिल क्यूट पिंपल, इतना प्याला से डिम्पल है, जाला का इतना प्याला सा। अब अपना डिम्पल दिखाओ,
चांद दिखाने की जरूरत नहीं, डिंपल दिखाओ। प्यारा से स्माइल क्यों करते हो, वैसे भी नजर आएगा। अयान के एक यहाँ पे दांत मत दिखाओ, अयान अयान के यहाँ पे है एक, और इस साइड वाले दिखाओ, एक यहाँ पे है अयान के दोनों साइड। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम युलद अहद। मगर हमने आगो से देखा नहीं है, मगर ने तस्वीर बच्चों का टूर्नामेंट चल रहा है, वो भी इतनी सी जगह पे। शौक हो तो बच्चे ना जगह भी नहीं देखते, बस कहीं भी शुरू हो जाते हैं खेलने के लिए। और सामने कंस्ट्रक्शन का काम, एक महीने से बस सर में दर्द होने लगा है। अब हर वक्त शोर शराबा इधर, कभी मिट्टी और कभी मशीन का शोर। तहरा की तबीयत ठीक नहीं है, सारी रात वोमिटिंग हुई है, और अम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो आज बस उनको लेके जा रही हूँ हॉस्पिटल। यहाँ गाड़ी का वेट कर रही हूँ, जैसे गाड़ी आती है मैं इनको लेके जाऊंगी। और यहाँ पे चेकअप से पहले अम्मी का वेट बीपी चेक कर रहे थे। योगी फैजान जी, फ्रेंड्स अम्मी को तो मैंने दिखा दिया है, हम लोग हॉस्पिटल में हैं फिलहाल, उसके रिपोर्ट्स अभी आने बाकी हैं, बाकी जहरा को भी दिखाना बाकी है, डॉक्टर का वेट कर रहे हैं काफी टाइम से, उसके बाद मेरा भी थोड़ा सा वो है। कल से कुछ भी नहीं बोला जा रहा था, बिल्कुल चुप थी, ऐसे ही मुंह कवर किया हुआ है कल से। वजह इसकी कुछ ख़ास है, और वो ख़ास वजह ये कि मैंने कल दांत निकलवाया है। इट वाज ए सर्जिकल डेंटल प्रोसीजर, और काफ़ी लेंथी प्रोसीजर था, कम से कम 2 घंटे लगे प्रोसीजर कराने में। और जिस चीज़ से मैं डरती थी, मैं हमेशा डेंटल प्रोसीजर से बहुत डरती हूँ, इस वजह से दांत काफ़ी जो है ना, मुझे डेंटल प्रॉब्लम है। तो कल जाके भी मैंने यही रिक्वेस्ट की थी डॉक्टर से कि डॉक्टर प्लीज़ स्टिचेस ना लगाएं। लेकिन एट द एंड वो कहते हैं ना, जिस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा डरते हैं उसी चीज़ का सामना करना पड़ता है। तो कल मेरे साथ भी यही हुआ था, जिस चीज़ से मैं डरती थी हमेशा, कल उसी फेयर को, द बिगेस्ट फेयर ऑफ माइंड, तो कल मैंने उसी अपने उस बिगेस्ट फेयर को फेस किया है। और पेन तो इतना फील नहीं हुआ, जाहिर है एनेस्थीसिया का असर होता है, आप कुछ फील नहीं करते, लेकिन ये सोच के मुझे रोना आ रहा था ना कि मैं जिस चीज़ से डरती थी वही चीज़ अब मेरे साथ हो रही है। तो वो प्रोसीजर होने के बाद मैं इतना रोई, वो पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा मैं इमोशनल हो गई थी, बहुत ऐसे थॉट्स माइंड में आ रहे थे अजीब, रोना इस बात पे आ रहा था कि या अल्लाह मैं जिस चीज़ से डरती हूँ वही क्यों होता है मेरे साथ। तो यही सोच के बहुत रोना आ रहा था। तो उसके बाद डॉक्टर ने कहा था कि बहुत सारे ना उसने इंस्ट्रक्शंस दी थी जिसको मैं फॉलो कर रही हूँ, और होपफुली कि जल्दी ठीक हो जाए। मास्क इसलिए भी पहना हुआ है, एक तो सर्दी बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं मौसम बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा ठंड और बादल हैं, और दूसरा ये कि फेस पे स्वेलिंग बहुत है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है इस साइड पे, पूरा इतना मुंह भरा भरा सा है। तो इस वजह से थोड़ा सा कहते हैं कि सर्दियों में दांत निकलवाने से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि ज़ख़म जो है वो सर्दियों में ज़्यादा तकलीफ़ देती है। कल से मैंने कोई बात नहीं की थी, अब जाके आप लोगों से मैं बात कर रही हूँ। बाकी मैं मौसम दिखाती हूँ आपको, जब से मैं आई हूँ ना आसमान बादलों से भरा हुआ है,
मैं कहती हूँ यार जम के बरसो, इस तरह क्यों लटके हुए हो सर पे ना, एक दफा बरस जाओ बस। तो बरसते ही नहीं है, बस ऐसे ही लटके हुए हमारे सर पे। सर्दी शिद्दत की है, बहुत ज्यादा सर्दी है। और दिखाती हूँ बादलों का क्या हाल है, ये देख सकते हैं आप। अभी थोड़ी देर पहले बर्फबारी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन अब जो है ना रुक गई है फिर से। लेकिन अगर बादल इसी तरह रहे तो शायद हो जाए फिर से रात तक। गांव में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है, लेकिन टाउन में अभी तक नीचे बर्फ़ नहीं पड़ी। जी फ्रेंड्स, हमारे चाचू कल रिटायर हुए हैं सर्विस से, तो आज हम उनकी मुबारकबाद के लिए आए हैं। तकरीबन पूरे 17 सालों के बाद मैं इस रोड पर से गुजर रही हूँ। ये वो जगह थी जहाँ से हम कॉलेज जाया करते थे। यहाँ से थोड़ा आगे जाते ही कॉलोनी है, उस कॉलोनी में हम रहा करते थे अब्बू के साथ। तो यहाँ से थोड़ा आगे जाके हमारा कॉलेज है, डिग्री कॉलेज गर्ल्स, तो वहाँ पे मैं पढ़ा करती थी और इस रोड पर से हम लोग जाया करते थे। पूरे 17 सालों के बाद आज मैं घर वालों के साथ यहाँ पे, हम गए थे हमारे चाचू के घर, तो इस जगह का नाम है दनीन। चित्राल टाउन में वाक़ है, बिल्कुल छोड़ो के सामने गवर्नर हाउस, सामने आप देख सकते हैं ये गवर्नर हाउस है, और इसके बिल्कुल ही सामने ये दनीन। बहुत ही खूबसूरत गांव है ये, बहुत ही खूबसूरत गांव। इस गांव से मेरी बचपन की बहुत ही प्यारी प्यारी यादें वाबस्ता हैं। फीलिंग नॉस्टैल्जिक। ये सामने दनीन, बहुत ही खूबसूरत गांव है। ये सामने जो है ये PTDC होटल है चित्राल का, और ये जो पूरा बाजार है ये कुबरिश्त बाजार कहलाता है। कुबरिश्त बाजार, झंडियां आप देखें कितनी रौनक लगी हुई है मार्केट में। सारे सियासी लोगों ने अपने अपने पार्टीज के झंडे गाड़े हुए हैं। अब देखते हैं कि असल झंडा कौन गाड़ता है इलेक्शन के बाद। अल्लाह करे जो भी सियासतदान आए वो मुल्क के हक में बेहतर हो। और एक ये हमारी बिल्लो रानी है जिसको बहुत ठंड लगी है, मैं जहाँ भी जाती हूँ मेरे पीछे 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 चली जाती है। तो आज सिंपल सी कड़ी बनाई है मैंने अपने लिए, क्योंकि चबाना भी मना है डॉक्टर की तरफ से, और आज तो स्वेलिंग भी बहुत ज़्यादा है एक साइड से, तो फिलहाल एहतियात चल रहा है। तो इसलिए सादा सा कड़ी बनाया है, उसको ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया है पानी के अंदर। जो ये ठंडा होगा उसके बाद ही मैं थोड़ा सा इसको खा पाऊंगी। तो इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग को यहाँ पे करती हूँ एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।